हे गाइस, वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित, और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये BMW 5 सीरीज 2012 का मॉडल है। गाड़ी 9 साल 6 महीने पुरानी है, और इस गाड़ी को हम करने वाले हैं कम्प्लीटली पेंट। बाहर की साइड से पूरी गाड़ी पेंट होने वाली है। तो पहले कस्टमर हमारे पास आए थे गाड़ी के साथ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेके। कुछ पैनल्स पे गाड़ी के छोटे मोटे स्क्रैचेस थे और गाड़ी उतनी क्लीन नहीं थी, तो हमें जितना इंस्पेक्शन करके हम बता सके हमने उन्हें बता दिया कि ये पैनल्स पेंट करने की ज़रूरत है, और वो गाड़ी छोड़ भी गए थे। जब गाड़ी वॉश हुई तब हमने नोटिस किया कि गाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस है हर पैनल पर, छोटे छोटे स्टोन चिपिंग्स भी हैं। मेरे पीछे गणेश जो है वो पूरी गाड़ी पर अभी मार्किंग कर रहा है कहाँ कहाँ पर पेंट में फॉल्स है। कस्टमर वापस हमारे पास आए, हमने उन्हें पूरी गाड़ी इंस्पेक्ट करके इसी तरीके से मार्किंग करके दिखाया कि किन किन पैनल्स पर प्रॉब्लम है, और फिर उन्होंने डिसाइड किया जब इतना काम करा ही रहे हैं तो क्यों ना पूरी गाड़ी को नया जैसा बना ले और पूरी गाड़ी को ही पेंट कर ले। देखिए, ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। बहुत लोग इसे देख के बोलेंगे कि फालतू में गाड़ी रीपेंट कर दी, पूरी गाड़ी को पेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। पर आपको ये समझना होगा, यहाँ पर कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मैटर करता है। अगर उन्हें एक छोटी से स्टोन चिपिंग से प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हमें उन्हें निकाल के देना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाड़ी का कलर कोड कहाँ पर मेंशन्ड होता है। ओके, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, गाड़ी का जो कलर कोड है वो BMW के केस में यहाँ लिखा होता है A17 जो है वो कलर कोड है, और कलर का नाम है हवाना मेटालिक। हर गाड़ी का कलर कोड का लोकेशन अलग अलग जगह पे होता है, कहीं पे सामने फ्रेम में लिखा होता है, कहीं पे इंजन के साइड में लिखा होता है, किसी गाड़ी में डिक्की के अंदर होता है और किसी गाड़ी में डोर जैम के अंदर होता है। ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। एक प्रॉब्लम जो गाड़ी के साथ और है वो ये है कि कस्टमर अपनी गाड़ी बाहर लेके गए थे और उन्होंने वैले को पार्किंग के लिए गाड़ी दी थी, तो वैले ने आगे की तरफ से जो है वो गाड़ी को डैश कर दिया, जिसकी वजह से ये बम्पर थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है। सो ये जो बम्पर जहाँ से अटैच होता है फ्रेम पे, ये ब्रैकेट पूरा टूट चुका है। अगर ये पार्ट हमें नया मिल गया तो हम इसे रिप्लेस करेंगे, अगर ये नया नहीं मिला तो हम इसे किसी तरीके से प्लास्टिक वेल्डिंग करके जोड़ने का पूरा कोशिश करेंगे। इसकी वजह से एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है पैनल पे, जब हम बॉनेट को पूरा बंद करते हैं तो ये जो बॉनेट है ये फ्रेम के साथ प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए बम्पर के साथ। यहाँ पर बम्पर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है कम्पेयर टू द बॉनेट। बॉनेट और बम्पर के साथ का इशू तो मैंने आपको बता दिया। अब क्लोजअप में गणेश ने सारे एरियाज वो मार्क कर लिए हैं जहाँ पर छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं। आपको हम क्लोजअप दिखाएंगे इन मार्किंग्स पर, जहाँ पर स्क्रैचेस हैं, स्टोन चिपिंग्स हैं, कहीं पर छोटे छोटे डेंट्स हैं। हर पैनल पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रॉब्लम आया ही है। अच्छा, बाय द वे, इस वीडियो में हम आपको प्राइसेस भी रिवील करने वाले हैं, और हमने डिसाइड किया है कि आगे भी आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ प्राइसेस डिस्कस करें। बहुत लोगों को ये प्राइसेस हाई लगेंगे, बहुत लोगों को ये प्राइसेस ऐप लगेंगे, और बहुत लोगों को प्राइसेस लो भी लगेंगे जिस तरीके से हमारा काम का क्वालिटी है। बट मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, हमारा फोकस कभी भी प्राइस नहीं रहा है। हम कस्टमर को अच्छे से अच्छा क्वालिटी देना चाहते हैं, और बहुत लोगों ने हमसे ये भी पूछा है कि आगे चल के क्या आपके प्राइसेस कम होंगे। मैं उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ, टाइम के साथ प्राइसेस कम नहीं होने वाले हैं, टाइम के साथ प्राइसेस और बढ़ेंगे। और उसका रीज़न यही है कि हम और अच्छा काम करना चाहते हैं। अभी भी जो तरीके का काम हम करना चाहते हैं, हमारे हिसाब से इट्स नॉट कम्प्लीटली वेयर इट्स सपोज टू बी। हम अपने स्टैंडर्ड्स और अच्छे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आगे चल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। बट एक चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि काम की क्वालिटी में हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट रॉ मटेरियल्स, बेस्ट वर्कमैनशिप और बेस्ट रिजल्ट्स आपको ला के दें। तो वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं इस गाड़ी पर खर्चा क्या आया। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँ कि बाहर से फुल पेंट जॉब के अलावा हम इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी पेंट करने वाले हैं। कस्टमर चाहते थे कि जैसा स्टॉक है उसी तरीके से उसी कलर में इसका व्हील पेंटिंग रहे, तो हम इसे सिल्वरी फिनिश करने वाले हैं। कैलिपर्स को हमने ऑरेंज पेंट करना डिसाइड किया है। ऑल्सो गाड़ी का फॉग लैम्प जो है उसके ब्रैकेट शायद टूटे हुए हैं, इसके लिए वो अंदर की तरफ चला गया है। सो हम यहाँ पर फॉग लैम्प रिप्लेस नहीं करेंगे। एज फार एज आई नो, आई थिंक फॉग लैम्प ही, गणेश, फॉग लैम्प ही कम से कम 30-40 हज़ार या ज़्यादा का रहेगा, नहीं ज़्यादा का ही रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि फॉग लैम्प के ब्रैकेट्स हम रिपेयर करें, और ताकि वही फॉग लैम्प्स हम वापस इस पर बिठा सकें। आप सबको हमारा एसेंट का वीडियो बहुत अच्छा लगा, एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। आगे चल के हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं। वर्कशॉप का एक्सपेंशन भी चल रहा है सामने की तरफ, तो वो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। एंड ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू गाइस। हम एक्सपेक्टिंग कि गाड़ी का एंड फिनिश बहुत ही अमेजिंग आएगा, और गाड़ी का ग्लॉस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी गाड़ी काफ़ी डल हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं।
Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। सिर्फ गाड़ी चेकिंग करो, उधर लोग मास्किंग प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर लड़के कर रहे हैं मास्किंग तो एक सुपरवाइज करना चाहिए उनको बंदा। ये अभी बेसवर्क चली जाएगी। हाँ, बेसवर्क को जा रही है गाड़ी अभी। तो पेंटर लोग चेकिंग कर रहे हैं, कुछ गाड़ी में फॉल्ट होता है तो कई बार क्या होता है डेंटर की नर्सेज से अगर कुछ छूट जाता है छोटा मोटा काम भी, तो पेंटर एक बार चेक करके डेंटर को इन्फॉर्म करते हैं। अभी गाड़ी का इंस्पेक्शन चल रहा है, यहाँ हो जाता है तो गाड़ी सीधा अभी पेंटिंग स्टेशन में मूव कर। इस गाड़ी पर डेंट्स ना के बराबर थे, गाड़ी पर बेसवर्क का काम भी बहुत ज्यादा नहीं था। जो छोटे एरियाज पे कहीं वेवीनेस हमें दिखी वहां पर हमने पुट्टी फिलिंग का काम कर लिया। अब हम गाड़ी पर प्राइमर स्प्रे कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये हमारे रेगुलर प्रोसेस से थोड़ा अलग है, यहाँ पर हम स्पॉट पे प्राइमर एप्लीकेशन कर रहे हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरी गाड़ी को प्राइमर कोट करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी का सारा पेंट ओरिजिनल है, दैट मींस ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इस पर जब हम वापस अच्छी क्वालिटी का पेंट करेंगे तो पेंट बॉन्डिंग में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। जिन एरियाज पे हमने पुट्टी एप्लीकेशन किया है उन्हें हम प्राइमर से इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि जो ऊपर का बेस कोट और उसका थिनर है वो सीप करके नीचे की पुट्टी को टच ना करे, जिसकी वजह से पेंट बबलिंग होने का रिस्क हो, क्योंकि पेंट पुट्टी पर कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाया जाता। ऐसी वेल मेंटेन गाड़ियों पे काम करने में हमें भी बहुत मजा आता है क्योंकि गाड़ी की बॉडी लाइंस और शेप ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में होता है तो पेंट भी बहुत अच्छे तरीके से बैठता है, फिनिशिंग भी बहुत अमेजिंग आती है, कहीं पर कोई वेवीनेस नहीं दिखता। तो कूडोस टू द ओनर फॉर मेंटेनिंग हिज कार सो वेल एंड लेट्स स्टार्ट विद द पेंटिंग प्रोसेस नाउ।
जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, व्हील पेंटिंग के लिए हमने BMW का सिल्वर मेटालिक कलर ही चूज किया है, और कैलिपर्स पे हम करने वाले हैं फोर्ड का मस्टैंग का ट्विस्टर ऑरेंज। अगर आप बॉडी और व्हील्स दोनों की फिनिशिंग देखेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिश आई है। हमारा जो हेड पेंटर है दुना नायक, उसने गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट की है। मुझे पर्सनली इस गाड़ी पर कहीं कोई कंप्लेंट नहीं दिखा। प्लस नायक ने BMW डीलरशिप में ऑलमोस्ट 8 साल काम किया है, तो ही इज वेरी वेल वर्स्ड विद BMWs। बम्पर का जो इंटरनल ग्रिल है वो भी पूरा टूट चुका था, तो हमने वो भी रिप्लेस कर दिया है। और फॉगलाइट के कान टूट चुके थे, तो हम उसको भी प्लास्टिक रिपेयर किट के थ्रू रिपेयर कर रहे हैं। गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस आपने देख ही लिया है। अब बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की। इस गाड़ी पर हमने एक्सटीरियर फुल पेंट जॉब किया है, जिसका कॉस्ट है 1,10,000 प्लस GST। हमने इसके अलॉय व्हील्स भी पेंट किए हैं, जिसका कॉस्ट है 14,000 रुपीज़ प्लस GST। हमने इसके कैलिपर्स भी पेंट किए हैं, उसका कॉस्ट है 6,000 प्लस GST। और सामने ग्रिल चेंज हुई है, जो अंदर हमने देखा था आपको ब्रैकेट टूटा हुआ था, वो हमने BMW से मंगाया है, उसका अंदाजन कॉस्ट आया है 13,000 रुपीज़। गाड़ी का फॉगलाइट का ब्रैकेट भी टूटा हुआ था, वो भी हमने रिपेयर कर दिया है। रिपेयरिंग चार्जेस स्टैंडर्ड एक 3,000 से 4,000 रुपये के बीच में आते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे गाड़ी के फाइनल शॉट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप भी अपनी गाड़ी पेंट कराना चाहते हैं तो ब्रोटोमोटिव जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो सर की गाड़ी हमने अभी कंप्लीट कर दी है। सर हमारे पास आए थे, गाड़ी थोड़ी सी डेटेड लग रही थी, थोड़ा पेंट का फिनिश डल हो गया था, बट जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया, इंस्पेक्शन के बाद हर पैनल पे छोटे छोटे चिपिंग्स थे, छोटे निशान स्क्रैचेस थे, तो हमने सर को रिकमेंड किया कि पूरी गाड़ी को हमको पेंट कर लेना चाहिए अगर इसे नया जैसा बनाना है। सर जो सजेशन हमने आपको दिया, क्या वो आपको ठीक लगा? यस यस डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इनिशियली नहीं सोचा था कि फुल गाड़ी पेंट की तरफ जाएंगे हम लोग। इनिशियली थोड़े बहुत एक दो पैनल थे, वो मैंने सोचा वो ख़त्म करके विल डू द पॉलिशिंग, राइट, बट आफ्टर योर सजेशन वी गो विद द फुल पेंटिंग। तो अभी आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सर। नया गाड़ी लग रहा है अभी, जैसा आपने सोचा था, जैसा आप गाड़ी रेडी करना चाहते थे वैसे ही गाड़ी रेडी हुई। यस यस आई एम हैप्पी। यू हैप्पी विद द जॉब? यस यस। यू विल रेकमेंड योर फ्रेंड्स? या डेफिनेटली आई विल, आई विल शेयर योर वीडियोस एज वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर एंटायर टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेकिंग अ जॉब ऑन टाइम एज वेल। थैंक यू सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।